हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी. दिस इज मी शेली. एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज बेबी फर्स्ट फूड. कि जब आपका बेबी अपना सॉलिड स्टार्ट कर रहा है, करने वाला है, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इनिशियल स्टेजेस में उसको देनी चाहिए, इनिशियल स्टेज या स्टेज वन में उसको देनी चाहिए. यहाँ पर स्टेज वन का मतलब है कि काइंड ऑफ आपका बच्चा जब सॉलिड स्टार्ट करता है, तो लाइक इनिशियल जो 2 से 3 महीने होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टेज वन. तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं. सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो के सबसे पहले पार्ट में मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो जनरली बेबीज को स्टेज वन में या इनिशियल 2-3 मंथ्स में देना अच्छा होता है. इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर दी साइंस, आपको कैसे पता लगेगा बेबी इज रेडी टू स्टार्ट दी सॉलिड. तो आप उसको जरूर देखिए, बिकॉज उसको देख के आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दी सॉलिड. जनरली इट इज बिटवीन 4-6 मंथ्स. तो अगर आपका बेबी लेट्स सपोज 5th मंथ पे या 4th मंथ पे सॉलिड स्टार्ट कर रहा है, तो आपके लाइक 4 मंथ से लेके 7 मंथ तक उसका स्टेज वन होगा. बट अगर आपका बेबी लाइक 6 मंथ पे सॉलिड स्टार्ट कर रहा है, तो 6 मंथ से लेके 8 या 9 मंथ तक उसका स्टेज वन होगा. तो जिन फूड आइटम्स के बारे में हम आज बात करेंगे, जिन तरीकों के बारे में हम बात करेंगे, दैट आर एप्लीकेबल टू 6-8 मंथ बेबीज. तो सबसे पहली चीज है कि क्या क्या चीजें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं टू स्टार्ट विद द सॉलिड. अच्छा, एक चीज और, वी आर सीइंग सॉलिड, बट एक्चुअली में बच्चों को सॉलिड फूड नहीं देना होता है. That is kind of like semi-solid or very liquid food. तो ऐसा नहीं है कि आपका solid बच्चे को start करना तो आप initially उसको एकदम से कोई पराठा या कोई ऐसी चीज दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं. नहीं, start जब हमें कराना है तो हमें बहुत ही thin consistency से start कराना होता है, because बच्चे को अभी तक दूध की आदत थी. ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हम उसे क्या चीजें दे सकते हैं टू स्टार्ट विद. सो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है फ्रूट्स. फ्रूट्स में आप उसे क्या क्या दे सकते हैं. तो फ्रूट्स में बेबी को स्टार्ट करने के लिए एवोकाडो, बनाना, एप्पल, पियर, ये सारे ही फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं. इनमें खुद में एक स्वीट टेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली बच्चे का जो अभी तक दूध की जो जर्नी थी, लाइक अगर ब्रेस्ट मिल्क पे था या फॉर्मुला मिल्क पे था, दोनों ही थोड़े स्वीट होते हैं. तो ये सारे फ्रूट्स ही जनरली बच्चों को काफी पसंद आते हैं. आप जैसे एप्पल है या पियर है, उनको आप स्टीम करके, बॉईल करके, देन मैश करके आप बच्चे को दे सकते हैं. उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी थिन होनी चाहिए कि बच्चा उसको इजीली स्वेलो कर पाए. सिमिलरली वेजिटेबल में भी यही रूल अप्लाई होता है. एंड देर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल जो कि आप इनिशियली बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, जिसमें लाइक मेजरली आता है कैरेट है, पीज है, मटर एंड स्वीट पोटैटो है, ग्रीन बीन्स है. ये सारे ही वेजिटेबल्स बच्चों के लिए अच्छे होते हैं. बट रूल सेम है, आपको वेजिटेबल्स भी उसको बहुत ही लाइक स्टीम या बॉइल करके बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी में उसको खिलानी होती है. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है सीरियल्स की. सीरियल्स बच्चों को देना बहुत जरूरी है जब बच्चे सॉलिड स्टार्ट करते हैं. उसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि बच्चे की जो बॉडी में खुद का आयरन होता है, जो कि उसने स्टोर किया होता है अब तक, तो वो आयरन जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसकी डिफिशियंसी ना हो, तो उसके लिए हमको आयरन रिच फूड देना बच्चे को बहुत जरूरी है, जिसमें कि सीरियल्स बहुत हेल्प करते हैं. सीरियल से बच्चों को एनर्जी भी मिलती है और ऑब्वियसली एक आयरन बूस्ट तो देते ही हैं बच्चे की बॉडी को. तो उसमें आपका आता है राइस, बार्ले यानी कि जौ और ओट मील. लाइक ये सारे ही सीरियल्स हैं जो आप इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं. काफी लाइट भी होते हैं, बच्चे को डाइजेस्ट करने में भी इजी होते हैं और ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होते ही हैं. देन आता है पल्सेस. पल्सेस में मैं सिर्फ दो ही दाल रिकमेंड करूंगी फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम. फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ मूंग दाल. मूंग दाल बहुत लाइट होती है, बच्चों को डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है. एंड नेक्स्ट इज तूर दाल या अरहर दाल. अरहर दाल थोड़ी सी हैवी होती है, तो अगर आपका बच्चे को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको थोड़े टाइम बाद इंट्रोड्यूस करें. बट मेरे केस में दर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो ही वॉज गुड विथ तूर दाल एंड मूंग दाल. देन नेक्स्ट आता है डेयरी. और इस एज के बच्चों में जनरली डेयरी के ज्यादा आइटम इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए. बट ऑब्वियसली जैसे वो मिल्क लेता हुआ, आपको काउ मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस करना है. बट जो मिल्क वो लेता रहता है, वो ब्रेस्ट मिल्क है या फॉर्मुला मिल्क है, वो कंटिन्यू करेगा ऑब्वियसली. उसके अलावा आप योगर्ट या दही यूज कर सकते हैं. और मैं प्रेफर करूंगी कि बच्चे के केस में आप दही जो है वो फ्लेवर वाला यूज ना करें, प्लेन दही यूज करें, वो ही बेटर है.
एंड इसके अलावा ऑब्वियसली आप घी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट बी केयरफुल कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज मत कीजिए घी, बहुत थोड़ा सा टू स्टार्ट विद, बहुत थोड़ा सा घी आप बच्चे के खाने में डाल सकते हैं। तो ये तो थे मेजर आइटम जिनके साथ आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि जब आप बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका सॉलिड फूड जब प्रिपेयर कर रहे हैं, इनिशियल फूड, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है। काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट टू कंसोलिडेट ऑल दी पॉइंट्स मैं एक बार फिर से मेंशन कर रही हूँ। एक तो बच्चे का खाना बहुत थिन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, मतलब जैसे कि बच्चा भी दूध पीता हुआ आ रहा था, तो दूध से बहुत थोड़ी सी ही गाढ़ी चीज आप उसको स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा खाना खिलाए जिसको वो स्वेलो ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी तक उसे सिर्फ दूध स्वेलो करने की आदत थी। तो आप दूध की ही सिमिलर कंसिस्टेंसी का खाना उसको दें। इसके अलावा जो भी खाना आप उसको दें वो प्रॉपरली या तो ब्लेंडर में उसको ब्लेंड करें या प्रॉपरली मैश करें, उसमें कोई भी लम्ब्स या चंक्स नहीं होने चाहिए जो कि बच्चे को चोक कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि इस स्टेज में आप बच्चों को स्पून से ही खाना खिलाएं, उनको हाथ से खाना खाने के लिए ना दें। एंड जब आप उनके मुंह में स्पून डालें तो आप उनके मुंह में लाइक ऐसे जबरदस्ती खाना ना उड़ेलें, आप वेट करें कि बच्चा अपना माउथ ओपन कर रहा है, स्पून अंदर ले रहा है और वो ना अपने लिप से खाने को अंदर ले रहा है, रादर देन कि आप उसको पुश कर रहे हैं। जब भी आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करें तो हमेशा एक मील से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं करें कि डे वन में ही आप उसको तीन मील से स्टार्ट कर रहे हैं उसे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे के लिए सॉलिड स्टार्ट करना एक बहुत लाइक बड़ा माइलस्टोन है, तो उनको ग्रेजुअली उसको अडेप्ट करने दें। तो लाइक आपने उसको स्टार्टिंग के 4-5 दिन एक मील दी, जब आपको लग रहा है कि वो कंफर्टेबल हो गया एक मील में, आपने उसके 4-5 दिन के बाद एक मील और ऐड करी, देन एक और मील ऐड करी, तो लाइक स्टार्टिंग में आपके लगभग 1.5 से 2 महीने में बच्चा धीरे धीरे 3 मील पे आ जाएगा। जब भी बच्चे को आप खाना स्टार्ट करा रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी पे फोकस ना करें कि वो कितना खा रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो आधा चम्मच या एक ही चम्मच खाएगा, डेट इज फाइन। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। वो अगर एक चम्मच भी खा रहा है तो वो एक चम्मच खाना भी आपको न्यूट्रिएंट्स वाला उसको दे, ताकि जितना वो खा रहा है उतना उसके लिए बेनिफिट हो। एंड जब भी आप कोई नया फूड आइटम बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उसको 2 से 3 दिन तक उसको ट्राई कीजिए उस अकेले आइटम को। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को एप्पल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे तो अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है एलर्जी की तो चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि बच्चे को एलर्जी हो, बट ऑब्वियसली बट बेबीज के केस में आपको 100% श्योर होना ही बेटर है। तो आप जब बच्चे को एप्पल फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोड्यूस कराया तो आप उसको 2 से 3 दिन तक एप्पल अकेला ही दें, उसे किसी चीज में मिलाकर ना दें, सो दैट कि अगर उसको कोई भी रिएक्शन होना होगा, कोई भी एलर्जी होनी होगी तो वो 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज भी आती है, कैसे पता लगेगा कि वो एप्पल बच्चे को एलर्जी क्रिएट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो उसके बहुत कॉमन रीजन होते हैं, लाइक बच्चे को लूज मोशन लग गया, लाइक बच्चे को लाइक डायरिया हो गया, उसको कोई रैशेज हो गए हैं, वो वॉमिटिंग कर रहा है रेगुलर उस फूड को हर बार खाने के बाद, तो ये जनरल कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा सिम्टम है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, चेक करें कि वो किसकी वजह से हो रहा है। एंड जिस भी फूड से बच्चे को एलर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा वो फूड कभी नहीं खा सकता, आप उसको उस टाइम पे रोक दीजिए, उस टाइम पे मत दीजिए, लाइक फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर से ट्राई कीजिए। इसमें नेक्स्ट आता है कि जब आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो विच इज द बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम में आपका मेरा प्रेफरेंस रहता है कि आप जब भी बच्चों को कुछ भी नया खाने के लिए दें तो उसको दिन के टाइम ही दें। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने लाइक उसको जो एक स्नैक टाइम पे सुबह 11 से 11:30 के बीच में मैंने उसका स्नैक टाइम से स्टार्ट किया था, सो दैट कि अगर बच्चे को कोई भी रिएक्शन होना है, कोई भी प्रॉब्लम होनी है तो वो दिन में ही हो, तो आपके पास टाइम हो डॉक्टर के पास जाने का। अगर आपने सपोज रात में डिनर टाइम पे कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया और उससे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई एलर्जी कॉज कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली रात में आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप दिन के टाइम पे ही स्टार्ट करें। इसके अलावा ऐसा मत कीजिए कि बच्चे ने अभी दूध पिया है और आपने 5 मिनट को खाना खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में तो वो नहीं खाएगा। तो अब तक आपको बच्चे का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा कि बच्चा कब उसको भूख लगती है, कब वो दूध मांगता है, तो आप उसको जो एक उसका दूध का टाइम है वो दूध की जगह पे आप उसको खाना खिलाएं, एक टाइम दिन में एक टाइम जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो जबकि आप बच्चा ऑब्वियसली उस टाइम पे भूखा है तो उसको खाने में इंटरेस्ट भी होगा। कभी भी अगर बच्चा आपको लग रहा है कि नींद में है या बहुत ज्यादा थका हुआ है तो उस टाइम पे ना खिलाएं खाना, क्योंकि एक तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो नींद में होगा कि वो क्या हो रहा है, वो क्या खा रहा है,
वो उसको एंजॉय नहीं करेगा। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप वो स्लीपी है तो उसको स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखें कि बच्चा स्लीपी ना हो, प्रॉपर एक्टिव कंडीशन में हो, तब इसको खाना खिलाएं। एंड अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी नहीं खा रहा है तो फोर्स ना करें, बच्चे को खाना खाने के लिए फोर्स मत कीजिए। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है जो वो नहीं खा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं खाएगा। आप एक मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर कोई ऐसी चीज है वो जो नहीं खा रहा है तो आप उसको दिन में 2 से 3 बार उसको ट्राई कीजिए अलग अलग टाइम पे, 2 से 3 दिन तक उसको अलग अलग टाइम पे ट्राई कीजिए। जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो बच्चा उसको, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो सारे ही टेस्ट नए हैं। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था लाइक बच्चे को एक पर्टिकुलर फूड का टेस्ट अडॉप्ट करने में लगभग 2 से 3 बार उसको खाता है तब तक वो उस फूड का टेस्ट अडॉप्ट करता है इनिशियली। तो अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो डोंट बी होपलेस, आप कीप ट्राइंग, वो उसको जरूर खा लेगा, लेकिन बच्चे को जबरदस्ती मत खिलाइए। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी आती है कि जब आप बच्चे स्टेज वन में, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें मेनली जो मेजर चीजें जो ध्यान रखने वाली होती हैं उनमें एक ये है कि कोई भी ऐसा खाना मत दीजिए बच्चे को जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट हो। मतलब कोई भी ऐसी सब्जी जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो थोड़ी सी हैवी होती हैं, लाइक बेसन है, तो ऐसी चीजें जो डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो ऐसी चीजें आप स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए, ऐसी चीजें बच्चे को मत दीजिए। इसके अलावा कोई भी टेक्सचर्ड फूड है जिसमें भी लंप्स होते हैं जो कि थोड़ा सा भी थिक होता है स्टार्टिंग में, वो खाना उसको मत दीजिए। 1-1.5 महीने में बच्चा कंफर्टेबल होगा खाना खाने में, तो अब आप उसको मैश फूड, थोड़ा सा टेक्सचर्ड फूड दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा एग है, फिश है, पीनट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, हनी है, ये सारी चीजें मत दीजिए बच्चे को स्टार्टिंग में। इवन मतलब मेरा रिकमेंडेशन तो है कि आप स्टार्टिंग के 1 साल तक उसको ये सारी चीजें मत दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हालांकि आप लाइक 9 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बट बाकी सारी चीजें अवॉइड कीजिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स है, मतलब जो भी खट्टे फ्रूट्स है जैसे कि संतरा है, अंगूर है, आम है, ये सारी चीजें उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट मत कीजिए। एंड लाइक आप उसको लाइक 7 और 8 मंथ के बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं सारे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखिए अगर बच्चे को बहुत ज्यादा डायपर रैश हो रहा है, फ्रीक्वेंटली डायपर रैश हो रहा है उसको या उसका पेट खराब हो रहा है, तो ये फ्रूट्स आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कीजिए। और एक बार अपने डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके केस में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कि मैंने बोला कि वो थोड़ी सी मतलब हैवी होती है टू डाइजेस्ट, तो उनको भी आप थोड़ा लेट स्टार्ट कीजिए, पॉसिबली स्टेज 2 में स्टार्ट कीजिए रादर देन स्टेज 1। जितने भी पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं होते हैं, अगर आपको बच्चों को कोई पैकेट फूड देना भी हो तो जो बच्चों के लिए स्पेशली बने होते हैं लाइक सेरेलेक है, उन फूड से स्टार्ट कीजिए, उन फूड से स्टार्ट कीजिए रादर देन की जो अदर प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड होते हैं। काउ मिल्क स्टार्ट मत कीजिए, काउ मिल्क में आयरन नहीं होता है। तो काफी आई नो कि काफी लोग बोलते हैं कि बच्चे को 6 महीने के बाद, इवन 6 महीने से पहले भी आप एडिशनल काउ मिल्क देना स्टार्ट कीजिए, बट नहीं, अगर आपको एडिशनल मिल्क चाहिए, आपका ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए, तो फॉर्मुला मिल्क भी आई है, काउ मिल्क भी नहीं आई, बिकॉज काउ मिल्क में आयरन नहीं होता है और ऑब्वियसली इस स्टेज पे बच्चे के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक जो काफी पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, जूस की कंसिस्टेंसी पतली होती है, बच्चों को पीने में इजी रहता है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो पैकेट वाला, तो खैर नहीं ही देना है, लेकिन फ्रेश जूस भी आपको स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं देना है, बिकॉज बच्चों का पेट खराब हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा पतला होता है जूस एंड लूज मोशन भी लग जाता है बच्चों को उससे। तो बेटर है कि आप जूस अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लाइक मैंने भी दर्श को भी, वो लाइक 14 मंथ्स का है, मैं उसको बहुत ही रेयरली जूस देती हूँ और वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो आपका बच्चा जब तक छोटा है उसका स्टेज 1 में, तो स्पेशली उसको बिल्कुल जूस मत दीजिए। तो आई होप कि ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है। एंड इसके अलावा जो काफी सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो मे बी मैंने इसमें कवर नहीं किए होंगे, बट आपको लगता है कि हाँ वो बच्चे के लिए अच्छे हैं, हेल्दी है, लाइक बॉटल गार्ड या लौकी है, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, बहुत इजी टू डाइजेस्ट होती है, तो ऐसी चीजें आप ऑब्वियसली खिला सकते हैं। इसीलिए मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जो भी चीजें ऐसी आपको लग रहा है कि इजी टू डाइजेस्ट हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को, वो इजीली उसको कंज्यूम कर सकता है,
आप उसको खिला सकते हैं। बस मेन चीज यही है कि वो इतना थिन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि बच्चा उसको इजिली स्वेलो कर पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारे अपने सारे दोस्तों के साथ। आई होप कि आप सब लोगों को इससे बेनिफिट मिले। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वहां पे आई एम कीप शेयरिंग सो मेनी अपडेट्स ऑफ दिस। आई एम श्योर यू लाइक दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।